मध्य प्रदेश के वो गांव जहां विकास के दावे होते हैं, मध्य प्रदेश के वो गांव जहां कहा जाता है शिक्षा है, पानी है, सड़कें हैं, लेकिन ये सिर्फ सुनी सुनाई बातें हैं या फिर हकीकत? क्योंकि लोकसभा चुनाव आ चुका है, दावे बहुत हो रहे हैं और इन्हीं दावों और वादों की सच्चाई जानने श्रेष्ठ भारत निकला पर पहुंचा मध्य प्रदेश के डांडीवाड़ा गांव केसला ब्लॉक, जहां ज्यादातर आदिवासी लोग रहते हैं, जहां कच्चे मिट्टी के घर पक्के मकानों में तब्दील हो रहे हैं, हौले हौले चलती बैलगाड़ियां अब कम दिखाई देती हैं, क्योंकि कहा गया कि यहां विकास हुआ, पर क्या वाकई ऐसा हुआ? आज हम आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। मध्य प्रदेश के डांडीवाड़ा गांव में ज्यादातर आदिवासियों की आबादी रहती है। इस बार के लोकसभा चुनाव में सभी पार्टियों की नजर में आदिवासी वोटर बेहद खास है, क्योंकि मध्य प्रदेश की 29 में से 15 सीटों पर आदिवासी वोटर्स की महत्वपूर्ण भूमिका है और इसी वजह से सारे दल आदिवासी मतदाताओं को साधने में जुटे हैं और नेता साहब दावा कर रहे हैं कि गांव अब बदल गए हैं, आधुनिक तकनीक और जीवन शैली की धमक वहां साफ सुनाई देने लगी है, पर क्या वाकई ऐसा है? तो इसका सच जानने के लिए आप इस गांव के लोगों को ही सुनिए कि जो नेता साहब वादे कर रहे हैं क्या वो सच है या फिर सिर्फ दावे खोखले हैं। गांव के मुद्दे सर अब क्या बताएं, समस्याएं रहती हैं, सारी चीज़ें, बहुत सारी समस्याएं रहती है। पानी की बहुत सबसे ज़्यादा समस्या हमारे पानी की समस्या रहती है, खेती बाड़ी नहीं कर पाते हम लोग, सिर्फ बारिश के अलावा और कोई मतलब खेती बाड़ी होता ही नहीं, जिसके पास साधन है वही खेती बाड़ी कर पाता, बाकी अलावा कोई नहीं कर पाता। पानी की समस्या सबसे ज़्यादा हमारे पीने को पानी तक की गर्मी में अच्छे से उपलब्ध नहीं हो पाती है, जैसे होती है बट नले हैं कुछ सरकारी नले तो उसमें भी पानी आता है, बहुत कम आता है, नल की सुविधा कम है। वो पानी पीने का तो मिल ही जाता है लेकिन सिंचाई का नहीं, सिंचाई की बहुत समस्या। तो कुछ हैंडपम्प वगैरह है और ये अभी पानी की टंकी भी बनी है तो अधूरी पड़ी है, इसमें भी अभी काम पूरा हुआ नहीं है, और वाटर लेवल कम है तो नल खुदे हैं तो नल का पानी कम हो जाता है, तो पीने के पानी की बहुत समस्या है और सिंचाई की तो बहुत ही समस्या है। तो सुना आपने, हाल और हकीकत यही है जो लोग बता रहे हैं, और आजादी के इतने साल बाद भी इस गांव में पानी की समस्या है। फिलहाल हर घर जल और नल, ये नारा तो आपने सुना ही होगा जो नेता साहब मंच और गलियों में खूब सुनाते हैं, लेकिन इस गांव में ना तो जल है और ना ही नल है। खैर, ये वही आदिवासी समुदाय है जिसको लेकर तमाम नेता मैदान में उतरते हैं और उन्हें सुविधाएं देने की बात करते हैं और वोट भी मांगते हैं, यहाँ तक कि देश के पीएम भी आदिवासी समुदाय के विकास की बात मंच से कह चुके हैं, लेकिन इसकी हकीकत क्या है वो श्रेष्ठ भारत आज आपको दिखा रहा है। खैर, ऐसा भी नहीं है कि इस गांव में पानी नहीं पहुंच सकता, ऐसा हो सकता है लेकिन आज तक हो नहीं पाया, जिसकी वजह हमारे संवाददाता अभिनव उपाध्याय से सुनिए। आदिवासियों की अनदेखी का आरोप सरकार के ऊपर लग रहा है, वो भी तब जब सरकार आदिवासियों को लेकर चुनाव लड़ने की बात कह रही है। जो चार जाते प्रधानमंत्री मोदी ने बताई हैं उनमें से एक जात आदिवासी की है और आदिवासी को यहाँ पर पीने का पानी नहीं मिल रहा है। यहाँ के लोगों ने जो बात बताई, दरअसल यहाँ से 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर इतना पानी है कि कुछ नहीं तो 4 जिलों में उस पानी की सप्लाई की जा सकती है। तवा डैम का जलाशय जो है यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन सुखतवा में, डांडीवाड़ा में पानी नहीं है। तो हकीकत यही है जो हमारे संवाददाता आपको बता रहे हैं। हमारे संवाददाता गांव में और आगे बढ़ते हैं, जहां और भी वादों की हकीकत जानने की कोशिश करते हैं जो नेता साहब कर जाते हैं। हमारे संवाददाता आगे बढ़े तो कच्चे मिट्टी के घर, झोपड़ियां, ऊबड़ खाबड़ धूल धूसरित सड़कें, हौले हौले चलती बैलगाड़ियां, पेड़ की ठंडी छांव में जमी चौपालें और राशन की दुकानों पर महिलाएं नजर आईं, जिनसे भी श्रेष्ठ भारत ने बात की और जानना चाहा कि क्या गांव में विकास पहुंचा, मुफ्त अनाज मिला या अन्य सुविधाएं मिली या फिर नहीं, जिसकी हकीकत लोगों ने बयां की। जब संवाददाता अभिनव राशन की एक दुकान पर पहुंचे तो राशन मिल रहा था जो सरकार की तरफ से मुफ्त दिया जाता है। वहां देश की आधी आबादी कही जाने वाली महिलाएं भी थीं, उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया सुनिए जरा। गेहूं चावल 5 किलो पर सदस्य, मतलब एक सदस्य को 5 किलो गेहूं और चावल दोनों, 2 किलो चावल है, 3 किलो गेहूं। क्या राशन कार्ड पे देते हो? राशन कार्ड, पात्रता पर्ची, ये इस टाइप की जी। बहन जी, क्या लेने आई हो? गेहूँ चावल। मिल गया? हाँ मिल गया। कितना कितना मिला है? 20-20 किलो एक एक महीना की।
मतलब घर में चार लोग होंगे? हाँ, चार लोग हैं। तो 20 किलो गेहूं में हो जाता है गुजारा? लाभ नहीं भी होता, क्या करेंगे, करते हैं जैसे तैसे। हाँ, ले लिए। क्या क्या लिया है? गेहूं गेहूं ली मैंने तो, चावल नहीं ली, पिछले बार चावल ले गई थी, इस बार मैं गेहूं ले जा रही। अच्छा, ये ऑप्शन है कि चावल नहीं लेना है तो गेहूं ज्यादा ले लो? हाँ, दे देते। तो खैर, श्रेष्ठ भारत की ग्राउंड रिपोर्ट में ये पता चला कि कुछ गांव में विकास हुआ तो कुछ गांव बिना विकास के रह गए, जहां आज भी पानी और अन्य सुविधाएं नहीं हैं। फिलहाल ये पूरा गांव खेती और मजदूरी पर निर्भर है। ज्यादातर ग्रामीण मेहनत मजदूरी करके जीवन यापन करते हैं। गांव में सबसे ज्यादा किल्लत पेयजल और घरों में इस्तेमाल होने वाले पानी की है, साथ ही सिंचाई के लिए भी पानी उपलब्ध नहीं हो पाता, और ये सब चुनावी मुद्दे हैं। फिलहाल ग्रामीणों ने बताया कि कभी भी नेता इस गांव में नहीं आते, ना चुनाव से पहले हाल जानने और ना चुनाव के बाद में बदली हुई तस्वीर जानने कोई आता है, जो इस बार की नहीं हर बार की कहानी है। फिलहाल ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।